हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एट्थ यूनिट उसको फिनिश करते हैं, जो उसका बी पार्ट है एट्थ का, जैसे प्रदीप की बुक में है, वो है बेटा न्यूक्लियाई। हम एटम कर चुके हैं, अब करेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स वैसे तो होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले थॉमसन, बार बार क्या बोलना कि उसने एक एटम को डिनोट किया था कि भैया एक वाटरमेलन के सीड्स वगैरह के जो भी रिलेशन थे वो यूज किए थे। फिर रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए थे, उसने न्यूक्लियस को फाइंड किया था। फिर आया था नील बोहर, जिसने स्टेबिलिटी के बारे में बात किया था, लेकिन वो भी ऑर्बिटल उसकी भी कुछ कमियां थी। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एटम को तो फाइंड कर लिया, एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बात कर ली, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट के बारे में भी बात कर ली कि कौन सा N1 में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, L में कौन सा रहेगा, M में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे ऑर्बिट्स थे। ये किसकी वजह से थे? हमारे पास जो उनके अंदर की एक एनर्जी थी। ठीक है, जिसकी हायर एनर्जी थी वो पास में रहेगा, जिसकी सेकेंड एनर्जी थी वो सेकेंड रहेगा। फिर हमने सीरीज निकाली थी, लेमन सीरीज, बेलमार सीरीज। तो अब हम बाहर का काम कर चुके हैं, आज हम फोकस करेंगे सिर्फ किस पे? न्यूक्लियस पे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले वैसे तो शुरुआत आप करेंगे तो 1 AME वगैरह कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन हम बात करते हैं नोबेल प्राइज। जो नोबेल प्राइज क्या था? ये मिला था चैडविक, एक साइंटिस्ट था, 1932 में मिला था उसको। देखो, इसने कुछ नहीं किया था। 1930 तक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन फाइंड कर चुके। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बात की थी, लेकिन 1930 में रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी उसके अलांग एक चीज आ गई थी प्रोटॉन के बाद कि भाई एक चीज और मिल रही है हमें जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन। वो कैसे मिली थी? तो वो सारा काम किया था चैडविक ने, जिसके लिए उसको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिल गया था। ठीक है, तो देखो ये अच्छी बात होती है, सब कुछ किया धरा उन्होंने, रदरफोर्ड, नील बोहर ने, और इसने सिर्फ एक छोटी सी अपग्रेड की और उसकी वजह से उसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो उसको ये कैसे मिला वो देखो। सबसे पहले इसने फाइंड की 1 AMU। ये AMU क्या होता है? दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको U से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसका मास इसने फाइंड किया। तो इसने सबसे पहले 1 AMU को डिफाइन किया। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ आइसोटॉप C6H, कार्बन आइसोटॉप, जो उसका मास है आइसोटॉप है ये, इसका 1/12 हिस्सा कर दिया। तो वो इसने किस चीज के इक्वल निकाला? हमारे 1 AMU। यानी 1 AMU इज द डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ आइसोटॉप मास C6, और 12 उसका क्या है? मास है। ठीक है, तो एक चीज आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻²³। असल में ये नंबर क्या है? एक मोल को एक्सप्लेन करता है ना। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एक मोल बनता है, तो ये 1 मोल की वैल्यू भी होती है, लेकिन यहां मैं इसको यूज करूंगा 6.022 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन का 1/12 है, तो कार्बन का जब 1/12 करता हूं तो C6 और 12, देखो इस चीज को कंफ्यूज मत करना, कई बुक में ये ऐसे मिलेगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का ढंग है, बस ये याद रखना कि ऊपर मास को डिफाइन करता है, नीचे नंबर को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बस ये रिप्रेजेंटेशन का ढंग है। आपकी बुक में एक्स ए जेड मिलेगा या जेड एक्स ए भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिस्कशन चलेगा,
लेकिन अभी हम कर रहे हैं 1AMU, ठीक है। तो देखो C12 6 इज इक्वल टू, इसका कितना मास है 12 ग्राम, इससे कितना मास है 12 ग्राम, अलग दिख रहा है, ये क्या है, मास ही तो बता रहा है, तो कितना मास है 12 ग्राम। जब 12 एटम 6 नंबर ऑफ एटम्स यानी 6 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन बना रहा है। एक का जो मोल नंबर है वो कितना है 6.022 × 10⁻²³। तो इसका 1 मोल का यानी मैं कहूं C12 6 इज इक्वल टू कितना हो गया है 12 ÷ 6.022 × 10⁻²³। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एक यूनिट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, AMU क्या है, इस यूनिट का 1/12, इस यूनिट का मेरे पास ये यूनिट की वैल्यू क्या है, ये है C6 की। देखो C6 एक मोल कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसमें 6, तो एक मोल की अगर ये वैल्यू है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आएगा आंसर, तो इसका टोटल मास कितना आएगा 12 ग्राम। मैंने उसको यहां से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, सी के 1 मोल की यूनिट आ गई इतनी। अब उसको क्या कर देना मुझे 1/12, तो इसको क्या कर देना मुझे 1/12, तो इनटू 1/12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, आंसर रह गया 1/6.022 × 10⁻²³। अब कहने के तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻²³, लेकिन इसको इससे डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट भी हटा दिया ना मैंने तो भी यहां पर ऐसे पहुंच गई 3 0। अब तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो 1 AMU की एक्चुअल वैल्यू जो आती है वो आती है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। आना था आंसर केजी में, लेकिन मैंने उसकी 3 पावर और बैठा दी तो 23 और कितना आ गया मेरा 24, तो 1.66 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप लोग केजी में कर सकते हैं, यानी 1.66 × 10⁻²⁷ kg, ये क्या है 1 AMU, ठीक है। तो इस 1 AMU से ही शुरुआत हुई थी न्यूक्लियस की, अभी हमने सिर्फ 1 AMU की वैल्यू निकाली है। अब ये जो 1 AMU है ये किसके इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इसमें मैंने इक्वल का साइन लिया वरना ये क्या है, इक्विवेलेंट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ये नोट रखना आपको, लर्न वैसे भी हो जाएगा एक दो न्यूमेरिकल पोर्शन में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को अगर मैं इज इक्वल टू में रखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा 1.66 × 10⁻²⁷ इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.66 × 10⁻²⁷ kg / 931, दिस इज द वैल्यू। तो ऐसे हमने थोड़ा सा वैल्यूज निकाली, ठीक है। तो 1 AMU की वैल्यू के बाद जब मैंने मास निकाला, ठीक है, तो कार्बन पे ही बात करते हैं या हाइड्रोजन पे बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पूछा था स्पेसिमेन इज एन ऑब्जेक्ट, स्पेसिमेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कुछ इंप्लीमेंट करके उसके रियल रिजल्ट्स चेक करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि ये हमारा कितने बार आया। जैसे आपको बुक्स भी मिलती हैं स्पेसिमेन कॉपीज, तो स्पेसिमेन के टाइम पे मैंने यानी एक एग्जांपल के टाइम पे मैंने क्या लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1 और 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, नंबर कितना है 1, तो बहुत ही सिंपल है, इट मींस हाइड्रोजन हैव मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन का मास हम जानते हैं कितना आया 1g, है ना, हाइड्रोजन का मास जो होता है 1g। हीलियम का कितना होता है, हीलियम का क्या होता है
फोर और टू यानी कितना होता है 4G, हीलियम का क्या होता है 4G, ठीक है। यहां पर जो वेरिएशन आ रहा था तो हमने लिया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए 1G के इक्वल होना चाहिए, यानी जो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो जब हमने AMU से निकाला तो हमने एक वैल्यूज फिक्स निकाली मास ऑफ प्रोटॉन, रेड से कर देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.00054, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 0.0073 यूनिट यूनिट और यूनिट, बल्कि इसे जीरो को हटाएगा 0.0054 एंड 00, ठीक है। अब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जब ऐड करता हूं तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसके इक्वल होना था 1G के इक्वल होना था, यानी 1 यूनिट के इक्वल होना था। तो मैंने जब इनको ऐड किया दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया मास ऑफ प्रोटॉन भाई जिसके अंदर जो ये डिनोट कर रहा है ये क्या कर रहा है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक है यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, मेरा रिजल्ट आया 0.04037 और 7 और 5 हो गए 12, है ना 0127। आई थिंक ये 1.000 ग्राम के तो इक्वल है ही नहीं, है ना, ये तो 1.27 में पहुंच गया, इट इज 1.27, ये ग्राम किलोग्राम की बात कर रहा हूं तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। तो ये जो डिफरेंस आया देखो आना क्या चाहिए था इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये मार्क कर रहा है क्या आना चाहिए था 1, लेकिन ये क्या आया 1.27, यानी जो 27 है ये कुछ और है, दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, यही तो पता चला कि भाई देखो इस चीज को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं, हम चाय बनाते हैं, ठीक है चाय बनाते हैं, चाय के अंदर मैंने 100 ग्राम वाटर, मिल्क बाय चांस 50 ग्राम, शुगर बाय चांस 20 ग्राम और जो टी लीव्स का वेट था वो बाय चांस मैंने किया कितना 30 ग्राम, ठीक है। तो जब मेरे पास चाय बन के आनी चाहिए थी ये सब क्या हो गए एड 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स या मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, सेम आना चाहिए था ना तो बैलेंसिंग द इक्वेशंस में। तो देखो मेरे पास जो टोटल मेरे पास जो टी लीव्स सॉरी टी बननी चाहिए उसका जो टोटल वेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 100 50 150 plus 21 70 30 200 ग्राम, क्या होना चाहिए उस टी का वेट 200 ग्राम, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो एटलीस्ट 200 छोड़ो वो 170 ग्राम मिलेगी, बाकी का जो 30 ग्राम है वो हीट एनर्जी में या इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया वाटर, क्योंकि जब मैं चाय बनाऊंगा तो जैसे वैसे स्टोव या गैस ऑन करूंगा जिसकी वजह से वाटर गर्म होगा पानी और उबलना शुरू हो जाएगा तो वो कुछ हिस्सा जो था स्टीम बन के हवा में उड़ गया, तो ये जो 30 ग्राम का वैल्यू चेंज आई तो हमने सीधा सा रिजल्ट निकाल लिया कि ये क्या थी मेरी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये मेरे किस में आ गई लिक्विड फॉर्म में, तो कुछ चेंज आया ना। देखो टोटल मेरे पास आना चाहिए था 200 170, मेरे पास उसका रिजल्ट है कि वो 30 ग्राम क्या चला गया कुछ चला गया। अब यहां पर जब मैंने माना कि एक एटम, रदरफोर्ड और नील बोअर ने एक चीज कहा था कि एक एटम के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, बस चैडविक ने इसी पे काम किया, उसने एक प्रोटॉन का मास निकाला एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का एग्जांपल या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जो कि हाइड्रोजन के मास के इक्वल नहीं था,
तो उसने एक चीज निकाली कि न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता, एक चीज और होती है एंड दैट इज न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रॉन। जब जाके उसने किसको फाइंड किया, न्यूट्रॉन को, और इसी की वजह से उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज। तो न्यूट्रॉन उसने ऐसे फाइंड किया था कि भाई किसी भी चीज का मास चेक करते हैं, तो न्यूक्लियस पे उसने एक अपना एजम्पशन लिखा, क्या लिखा कि एट न्यूक्लियस नॉट इवन अ सिंगल प्रोटॉन इज विदाउट न्यूट्रॉन। तो ये जो मास में चेंज आ रहा था ये किसकी वजह से आ रहा था, न्यूट्रॉन की वजह से। तो उसने फिर किसका मास निकाला, न्यूट्रॉन का। आप फिर से मार्क करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.054 यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 0.0073 यूनिट एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0086 यूनिट, 1.0078 86 हाइड्रोजन का चला गया 7, ठीक। और जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो अगर मैं इसी टर्म में निकालूंगा तो वो हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो चेंज आया था इसी की वजह से हमने एक चीज फाइंड की, क्या फाइंड की, न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को फाइंड किया था, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वैसे ये आपको गिवन मिलेगा, कोई डरने की चीज नहीं है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पोर्शन में ये सारी चीज आपको गिवन मिलेंगी, फिर भी अगर आप करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब उसने न्यूक्लियस को फाइंड तो कर लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर, अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूं, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस चीज का है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द एटॉमिक फॉर्म, और इसी की वजह से उसने स्टेबिलिटी और डेंसिटी वगैरह सब एक्सप्लेन किया था। डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसने ये किया था कि जो मास न्यूक्लियस हो कभी भी टूटता नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसलिए उसको अब सबसे पहले निकालना था साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो उसने फिर फाइंड किया न्यूक्लियस साइज, ठीक है। तो न्यूक्लियस साइज के लिए उसने क्या कहा, न्यूक्लियस साइज या न्यूक्लियस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो वर्ड आया न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मैं बोलता हूं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी पहले जब मैं सिर्फ उसको न्यूक्लियस बोल रहा था तो न्यूक्लियस क्या है, जब सिर्फ वहां पर क्या थे, प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन क्या है, जब वहां पर क्या है, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी उसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियॉन्स, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल ए से। किससे डिनोट करूंगा, कैपिटल ए से, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस वॉल्यूम, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है, इसको एक बार ठीक कर लेना, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। उसने इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमने अज्यूम किया है कि वो स्पीयर शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, ठीक है। दिस इज द रेडियस, 4/3 πr³, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
तो मैं इसे आर क्यूब को यहां छोड़ देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू थ्री बाय फोर पाई, थ्री बाय फोर पाई। देखो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये भी कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैं क्या लिखता हूं, आर नॉट ए पावर, आर नॉट ए, आर नॉट क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंट, दिस इज द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंट। इस आर की, आर नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 एम, दिस इज आर नॉट। ठीक है, अब इस आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट ए लिख दो, आर नॉट ए, तो ये आर क्यूब वहां जाके क्या बन गया, अंडर द रूट 1/3, अंडर द रूट। अब कहेंगे सर आर नॉट पे क्यों नहीं आया, तो क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कहेंगे सर कॉन्स्टेंट नहीं है, अब इस पे अगर बहस करेंगे तो हम इसको पहले ही कर लेंगे, लो तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मैं इसको लिख दिया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1/3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा तो क्या आया आर नॉट ए पावर 1/3। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का मेथड था, और इसकी पावर कुछ कर लो आप, वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 1/10 इंटू माइनस 15 मीटर। ठीक, ये क्या है, अब देखो इसको ऑर्डर को समझते हैं। न्यूक्लियॉन का जो साइज है, रेडियस है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, अब आ चलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम, सॉरी न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर 10 रेज टू पावर माइनस 15, और एटम का रेडियस कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। ठीक है, अब निकालते हैं इसी न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, दिस इज न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस साइज कैसे निकलेगा, देखो भाई मैंने एक सर्कल बनाया, क्या कोई बता सकता है ये छोटा है बड़ा है कैसा है, मुझे जब तक इसका क्या ना पता चले रेडियस, अगर मैं इसका रेडियस कह दूं कि भाई सेंटीमीटर में आप कहेंगे छोटा है, रेडियस एमएम में कह दूं और ज्यादा छोटा है, रेडियस मीटर में कह दूं भाई इनमें तो बड़ा है, और रेडियस किलोमीटर में कह दूं, तो मैं इस सर्कल को या स्फीयर को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे इसका रेडियस की वैल्यूज जो भी हो ना, यानी रेडियस अगर मुझे पता चल जाए किसी स्फीयर का, तो मैं उसका अंदाजा लगा सकता हूं क्या, साइज। तो न्यूक्लियर साइज हमने डिफाइन किया आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, यानी मुझे अगर रेडियस पता चल गया तो न्यूक्लियर साइज पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब करते हैं न्यूक्लियस डेंसिटी, साइज पता चल गया, अब करते हैं न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस डेंसिटी, डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो इज इक्वल टू मास एम वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। एम की वैल्यू क्या हो गई, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास की वैल्यू, या मैं जैसे बाय चांस एम की वैल्यू ना करके क्या करूं, हाँ ठीक है, ये किसकी होगी, ए की, ये दिस इज द डेंसिटी ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब अगर मुझे डेंसिटी पता करनी हो, उसका मुझे अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन दे रखा हो जो कि ये है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए, है ना, मल्टीप्लाई बाय ए, तो एम ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। अब इस आर की जगह मैं क्या फुट कर सकता हूं, इस आर की जगह, तो रो इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3 पाई आर की जगह क्या प्लेस कर सकता हूं, अभी अभी मैंने निकाला आर नॉट ए पावर 1/3 का होल क्यूब, क्या है, होल क्यूब, आर का क्यूब,
यानी इसको, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो रो इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4 बाय 3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, क्योंकि ये तो 1 बाय 3 था, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया था, तो ये 3 से इस पे लगेगा। अब देखो इसे इसे ये ए कैंसल आउट, रो इज इक्वल टू ये 3 ऊपर जाके 3 एम अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा, रो इज इक्वल टू 3 एम अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सारे अपना नोट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक न्यूक्लियस या एक स्फीयर की डेंसिटी अगर m अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है, तो a, a क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, उनमें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे। हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक से मल्टीप्लाई करूंगा। a की वैल्यू अगर 2 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 2 है, हीलियम है ना, हीलियम के अंदर 2 करूंगा, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने वो a जो लिखा वो क्या लिखा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, एक की डेंसिटी अगर m अपॉन 4 बाय 3 पाई आर क्यूब है, तो इनटू में ए जो भी वैल्यू है, इसलिए मैंने ए से मल्टीप्लाई किया उसको, फिर आर नॉट की वैल्यूज प्लेस कर दी, ठीक है। तो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे दो तीन टॉपिक है, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स, मेरे से बेटर वे में जानते होंगे आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप मैं इसको ऐसे याद करता हूं, देखो टॉप यानी मैं अगर किसी के ऊपर काम करूं तो वो क्या होगा, आइसोटॉप, ठीक है। यानी आइसोटॉप्स आर दोज एटम्स हुज, देखो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर दे एक एटम को, यहां लिखा जाएगा मास नंबर या वेट या मास, ठीक है, यहां लिखा जाएगा नंबर, ठीक है, जिसको आप लोग करते हैं जेड ए इज द एटॉमिक न्यूक्लियस, जेड इज द एटॉमिक मास, ठीक है, ए एस जेड, सॉरी उल्टा लिख गया, ए और जेड, जेड इज द नंबर, एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज एटॉमिक मास या वेट, जो भी आप समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना आइसोटॉप, टॉप की बात करता हूं, तो टॉप यानी दोज एटम्स हुज एटॉमिक मास इज डिफरेंट, मास इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट सेम एटॉमिक नंबर। कुछ एग्जांपल्स हैं सी के 612, सी 614 और सी 611 तो नहीं हो सकता, 13, ये देखो एक ही कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या 12 14 13, ये क्या हो रहा है चेंज। इसके ऊपर मैं कोई टाइम नहीं लगाऊंगा, ये करने वाली चीज थी भी नहीं। ऐसे ही हमारे पास होते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, बार मतलब बेसिक बेस, आइसोबार आइसोबार, ठीक है। आइसोबार में क्या होगा, जब ए तो सॉरी जेड क्या हो चेंज एंड ए क्या रहे सेम, यानी एटॉमिक मास सेम रहे, एटॉमिक नंबर क्या होता जाए चेंज होता जाए, ठीक है। ये तो दो चीज आप जानते हैं। अब जब न्यूक्लियस पे हमने न्यूट्रॉन को फाइंड किया, तो अब बात करते हैं आइसोटॉन्स की। आइसोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो, तो इसका एग्जांपल कैसे है, जैसे हाइड्रोजन ले लेता हूं 1 1, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 2, हाइड्रोजन में 2 और 1, ऐसे भी कर सकता हूं, हाइड्रोजन हीलियम और दो हाइड्रोजन है तो H, हाँ बिल्कुल सही, 1 1, इन दोनों में स्पेस करूंगा 1, इसमें अंदर करूंगा तो ये हो गया 3 और 2, हीलियम का वैसे तो 4 और 2 भी होता है, लेकिन कई बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के आते हैं 1,
3-2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 1-1 नहीं यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, हीलियम वाला गड़बड़ हो जाएगा। क्लोरीन एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 37, क्लोरीन का 17 और सॉरी क्लोरीन ही क्यों ले रहा हूं मैं, क्लोरीन के बाद ले लूं पोटेशियम की 1939। देखो इन दोनों को मिटा के देखो, 37-17 कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 20। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए, 20। ठीक है, मैं एक बार इंट डाल लेता हूं, आप जब कुछ नोट डाल दीजिए बेटा। ये हमारे पास न्यूक्लियस साइज डेंसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर, देखो वो है मास डिफेक्ट, नाम से ही पता चल जाएगा मास डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट इन मास। जैसे वाले मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1.0078, 1.0054, 1.0083 या 86 सॉरी, और टोटल इन सब का जो सम किया था वो किसके इक्वल आना चाहिए था, ऐसे इसके इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया था। तो द चेंज इन मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास डिफेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को कैसे डिफेंड करते थे, डिफेक्ट मास को मैं लिखता हूं डेल्टा एम से, डेल्टा एम और जो हमारे पास एक सबसे बड़ा रिलेशन है कौन सा, ये एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी में भी चेंज करता है, वो क्या हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो मैं जानता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सी की वैल्यू भी मैं जानता हूं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर। तो बाय चांस मुझे डेल्टा एम भी पता चल जाए तो मैं एनर्जी किसी भी चीज की निकाल सकता हूं, वो तो ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1931 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट है। अगर मुझे एनर्जी फाइंड हो जाए तो मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी निकाल पाऊंगा। तो एक नई चीज आ रही है, वो आ रही है बेटा बाइंडिंग एनर्जी, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी बाय विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो। तो इट इज द एनर्जी बाय विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, और इसको मेजर कैसे करें, देखो इसको मेजर कैसे करें, ठीक है। बाय चांस मेरे दोनों ये जो ये कैप है और ये मार्कर है, ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। अगर मैं इसको मोर देन 1000 times ऐसे ऐसे करके डालता और खोलता रहूंगा तो आप जानते हैं लूज हो जाएगा। तो इसको खोलने के लिए मुझे एनर्जी देखो अभी इतनी लगानी पड़ी, कुछ ज्यादा ही लगा दी, अभी मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ी, थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ी, ठीक है। अगर यही एनर्जी जब ये लूज हो जाएगा, जब ये लूज हो जाएगा तो एनर्जी कब लगानी पड़ेगी, यानी इसको मेजर कैसे करूंगा, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क डन, किस चीज के ऊपर वर्क डन करूं, टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, देखो क्या है ये न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रही है न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस से, तो टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस दैट दे नेवर ज्वाइन टुगेदर, यानी इनको अलग करने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही एनर्जी मेरे पास क्या होगी, इनकी मेजरमेंट। जैसे अगर मेरे ये हाथ खोलने हैं तो अगर मैं बहुत ही कमजोर
बच्चा रहूंगा तो मेरे हाथ को भी सिंपल खोल देगा, कहेंगे इसके ऊपर मुझे इसकी मेजरमेंट उतनी है। मेरी हाथ की ताकत तभी पता चलेगा ना जब खोलते वक्त जिसने ताकत लगाई। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी को मैं कैसे करता हूँ, ऐसे फाइंड करता हूँ। तो इस बाइंडिंग एनर्जी का मास इक्विवेलेंस आपको याद ही होगा, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डिनोट करने वाली चीजें देखते हैं। एमपी, ये क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन। एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमएन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एम कैपिटल एन, मास ऑफ न्यूक्लियॉन, या मैं कहूं न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये किसके इक्वल होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही असल में क्या होता है, न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स पे तो काम कर ही नहीं रहे, इसलिए मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज का डिफेक्ट कैसे करते हैं। बाय चांस आप किसी शॉपकीपर से कहा कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, आपने 1 kg शुगर लिया, ठीक है, और आप उसको लेकर आ गए। बाय चांस घर पे आए और आपकी मदर ने कहा कि बेटा ये 1 kg नहीं है, कुछ चीट हुआ आपके साथ। तो आपकी मदर ने क्या किया, उसको दोबारा से एक वेइंग मशीन पे तोला, वेइंग मशीन पे तोला, है ना। तो अगर बाय चांस ये आता 997 ग्राम, और 1 kg में कितना होना चाहिए, 1.00 या मैं कहूं 1000 ग्राम्स, ये कितने आए, 997 ग्राम और 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम मैं क्या करूंगा, डिफेक्ट कैसे पता चलेगा, 997 - 1000 इट मींस -0.003 ग्राम। ये क्या है, ये मेरा क्या है, डिफेक्ट। कहेंगे नहीं सर 3 ग्राम का है, अगर ये बाई चांस निकल जाता 1002 ग्राम तो कैसे निकलता, माइनस वही जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाती है यहां पर 2 ग्राम, 0.002 ग्राम। देखो प्लस का मतलब है एडिशनल आया, माइनस का मतलब क्या है, कम आया। तो ये चीज समझना कि जब भी मुझे किसी चीज का डिफरेंस निकालना होता है तो मैं निकालता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। ये मत करना सर हम तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, नहीं नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाय चांस मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है एक्स, तो ए उसका एटॉमिक मास है, जेड उसका न्यूक्लियस का नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे मास निकालना होगा तो जेड जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, तो एक नंबर ऑफ द प्रोटॉन का मास कितना है, एम पी, दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। अगर मुझे उस प्रोटॉन्स का नंबर बाय चांस ये मेरे पास C6 और 12 है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, एक प्रोटॉन का कितना मास है बेटा, जो हमने किया 1.0078, नंबर कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो 6 × 1.0078 यूनिट कर दूंगा तो मेरे पास ऐसा ही आ जाएगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब क्या निकालना है, क्यों न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, सॉरी मैंने ये क्यों मिटा दिया, C12 6, ठीक है। तो यानी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, ये कैसे पता करूंगा, ये क्या है, ए माइनस जेड यानी जो जेड है, जेड क्या, सॉरी ए इज, तो ये जो मेरा ए है ये क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, ए क्या है, न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। जेड क्या है, जेड मुझे एटॉमिक मास भी बता रहा है ना, तो ए
जेड क्या है? नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर. और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये क्या बता रहा मुझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स, ठीक है. तो देखो, इस ए में से अगर मैं जेड माइनस कर दूं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन. तो ये ए माइनस जेड मतलब क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है किस चीज पर निकालेगा न्यूट्रॉन्स का. तो अब क्या रह गए भाई? किसी एक टॉमिस में है तो ए माइनस जेड. तो देखो, ए नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस 12 माइनस 6, यानी कितने रह गए? 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने रह गए इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये क्या हो गया जब मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहा हूं? माइनस में एम एन, एन इज फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस. अब जो देखो, एक तो मास ऑफ न्यूक्लियस में फाइंड कर रहा हूं बिल्कुल एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बिल्कुल जोड़ के, और एक जो मुझे गिवन है, एक गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 kg शुगर मुझे गिवन था. मुझे मिला कि भाई उस शुगर के अंदर बाई चांस मैं कुछ मिलावट वाली चीज लेके आया तो 300 ग्राम कुछ था प्लस 600 ग्राम कुछ है, तो भी ये 1 kg नहीं आ रहा, जो 100 ग्राम आ रहा वो चेंज आ रहा है. तो ये क्या बन गया मेरे पास? डेल्टा एम. दिस इज मास डिफेक्ट. दिस इज मेरा मार्कर कहां गया? मार्कर. दिस इज मास डिफेक्ट. इस फॉर्मूले को सारे उतारो. तो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मास ऑफ ए प्रोटॉन इनटू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड किया, उनका जो सम आएगा और जो मुझे गिवन है, अगर उसमें चेंज मिलता है तो वो मास डिफेक्ट है, अगर चेंज नहीं मिलता तो एक्चुअल मास है. दिस इज मास डिफेक्ट थ्योरी. बाइंडिंग एनर्जी, अब एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ई किसके इक्वल होता है बेटा? ई किसके इक्वल होता है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो एम की वैल्यू क्या होगी? यानी ई इज इक्वल टू एम, एम की जगह क्या प्लेस करूंगा? जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. ये क्या है मेरे पास? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला. देखो फिर से एक्सप्लेन करते हैं. किसी भी जैसे C6 और 12 का एग्जांपल, ये क्या है? एटॉमिक मास. ये क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. तो इसको किससे भी नोट किया? जेड से. और ये जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ये किसके इक्वल होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना. मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो किसके इक्वल है? अब अगर मैं इस 12 माइनस 6 कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे जो मैंने यहां यूज किया था. तो इसी चीज को मैंने किससे लिखा? बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है. तो अब इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है. तो एक मिनट में क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं ताकि तुम्हारा वीडियो का टाइम ना बढ़े, ये ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है अब तक, ठीक है. तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार, जब तक पॉज कर देता हूं. तो अब देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. यानी मुझे तीन चीजें निकालनी है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लिथियम न्यूक्लियस. यानी इस बार मुझे एक एटम दे दिया जिसका नाम क्या है? लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और उसका एटॉमिक मास दे दिया 7. टेकिंग इट्स मास, जो न्यूक्लियस का मास कितना? 7.000000 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है. मैंने कहा आपके क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 amu.
एटॉमिक मास यूनिट एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007825 AMU, ठीक है। ब्रैकेट में गिवन है कि 1 AMU को मुझे किसके इक्वल, मैंने कहा ना 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इन्होंने गिवन कर दिया इस बार कि इक्विवेलेंट 1 AMU जब हमने किया था तो 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इक्वल नहीं था, ये क्या था, इक्विवेलेंट टू था। तो इन्होंने इस बार गिवन कर दिया कि इक्विवेलेंट ना लेके उन्होंने क्या दी मुझे वैल्यू फिक्स कर दी कि मुझे क्या लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मास डिफेक्ट निकालना है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल था, जेड एम मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या था मेरे पास, एक डीएम का मतलब डेल्टा एम का यानी मास डिफेक्ट निकालने का फायदा। तो सबसे पहले मुझे जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है, 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन है, 3, ठीक है। अब निकालना मुझे ए माइनस जेड यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मींस ए माइनस जेड, ए इज 7, जेड इज 3, 7 माइनस 3 यानी कितना आंसर आया, 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज द प्रोटॉन्स एंड दिस इज न्यूट्रॉन्स। तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक है, Z की वैल्यू आ गई, A माइनस Z की आ गई और M एन मुझे गिवन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं तो डेल्टा M इज इक्वल टू Z की जगह मेरे पास क्या है, दिस इज Z इज 3 इंटू MP मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, दिस इज न्यूट्रॉन दिस इज प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.007825, ठीक है, दिस इज फॉर ZMP, ठीक है। प्लस A माइनस जेड, A माइनस जेड की वैल्यू मैंने अभी निकाली, A माइनस जेड यानी 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665, ये है मेरा ये वाले टर्म, ठीक है। माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है 7.000 दिस इज द वैल्यू, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं, मास ऑफ डिफेक्ट इन मास निकाल रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 1 carry 3 to 6 और 1 7, 3 8 24, 2 3 21 प्लस 2 23, तो ये यहां हो गया 0.1 और 3 1 3 3 1 3, ठीक है, 3.02 3 4 7 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 20, 2 carry 4 6 24 प्लस 2 26, 2 carry 4 6 24 प्लus 2 26, फिर से कैरी करता हूं तो 2 4 8 32 प्लस 2 34, 34, ठीक है, और 0.41 4, ठीक है। माइनस में 7.000, ठीक है। अब इनको ऐड करते देखो 5 और 0 तो क्या आ गया 5, 6 और 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 505 होता है तो 7 और 6 कितना हो गया 13, ठीक है। 1 carry हो गया 4 और 1, 5 और 6 11, 1 carry हो गया 3 और 1, 4 plus 4 8, फिर से कैरी कुछ भी नहीं हुआ और 3 और 2 कितना हो गया 5 0.3 और 4 कितना हो गया 7, माइनस 7.000
7, 5, 5, 8, 1, 3, 5, -7 तो रिजल्टेंट मेरे पास जैसी बात है यही आएगा, यानी जो मास डिफेक्ट आया वो आया 0.058135U, दिस इज द यूनिट। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, मास डिफेक्ट। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सब कुछ गिवन था, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना बहुत ही आसान था, न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह गए, मास साइज ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन था, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन था, मैंने बस फॉर्मूला यूज किया डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन प्लस माइनस एम एन, कई बुक में ये एम कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे, वो कोई नहीं है, दिस इज फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई डेल्टा एम की, मैं इसको यहां लिख दू, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.058135 यूनिट। ठीक है, अब 1U या 1 AMU किसके इक्वल होता है बेटा, 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 931। ठीक है, उन्होंने बताया ना 1 AMU किसके इक्वल लेना है 931, सॉरी दिस इज AMU। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू कितनी है 931.5, ये कितने हैं 0.05, तो टोटल जो मेरे पास एनर्जी आएगी वो क्या आएगी 931.5 इंटू AMU 1 AMU इज इक्वल टू 0.058135। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो 0.54135 MeV ये क्या आ गई मेरे पास एनर्जी, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, दो चीज पता चल गई, मास डिफेक्ट कितना आया 0.058135 बाइंडिंग एनर्जी। अब उन्होंने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो जैसे हम कहते हैं ना हाउ मेनी कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग ईच स्टूडेंट या पर स्टूडेंट, तो ऐसे ये है मेरे पास टोटल एनर्जी है, अब पर न्यूक्लियन निकालनी है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है मेरे पास, देखो ए माइनस जेड सॉरी 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 7, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, देखो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है कितनी 54.135 डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज 7, कट करते हैं तो 7 सेवन जा 49, 6 7 एट जा 56, 5 7 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस इज 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, आप लोग इसका एग्जैक्टली लिखेंगे। देखो ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये फॉर्मूला या ये न्यूमेरिकल, इसमें क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला एक है और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, और इसके अलावा वो पूरे CBSE में इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बस आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मेरे पास पता थे, तो पर न्यूक्लियॉन निकालना कौन सा मुश्किल है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये क्या था मेरे पास, हमारे पास कि भाई बाइंडिंग एनर्जी या मास इफेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आई होप न्यूक्लियस आप लोगों को समझ आ गया होगा, थैंक यू।